हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। व्हाट परसेंट ऑफ 150 प्लस 250 इक्वल टू 280। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। व्हाट परसेंट को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंट है तो क्या लिखेंगे, बाय में 100 लिखते हैं। जहाँ भी परसेंट रहेगा बाय में क्या लिख देंगे, 100। ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 प्लस 250 और इक्वल टू 280। ठीक है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। पहले यहाँ प्लस माइनस का नंबर उधर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई वाला उधर जाता है। ठीक है, अब हमें से याद रखें, पहले प्लस माइनस को साइन को उधर भेजा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है वो उसके बाद जाएगा। यानी बोर्ड मास का उल्टा रूल, जैसे बोर्ड मास में पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। और लेकिन जब भेजना होगा इस साइड, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो सब पहले सब्ट्रैक्शन जाता है, फिर एडिशन जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तब डिवीजन जाएगा। ठीक है, तो सब पहले हम लोग क्या भेजेंगे, प्लस को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बाय में 100, एक्स बाय में 100 इंटू 150, ठीक है, इक्वल टू 280। और जो प्लस में था उसको जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 250। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इधर सबट्रैक्ट भी सोल्व करेंगे। तो ये 100 कट गया और दोनों 10 और 15 5 का टेबल में आएगा, ये 2 बार में और ये आएगा 3 बार में। तो इस तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x और बाय में क्या आ जाएगा, 2। 3x बाय में 2 और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 280 में 250 को माइनस करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 30 और इनटू देंगे, जो नीचे में जो था वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर में 3 है वो नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 3 से 30 काटेंगे 10 बार में और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10 × 2, 10 × 20। तो ये हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।